हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और आप सभी की हेल्थ बहुत अच्छी होगी। आज के इस वीडियो में एक अपडेट देने जा रहा हूँ आप लोगों को। जो भी कैंडिडेट जो कि सीए क्वालिफाइड, सीएमए क्वालिफाइड या फिर सीएस क्वालिफाइड फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी आई थी पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक महाराष्ट्र पीएसयूज है, और इसकी जो लास्ट डेट थी वो आपका 7 अगस्त 2024 थी लास्ट डेट अप्लाई करने की। मैंने ये वैकेंसी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इस वीडियो में मैं इस वैकेंसी से रिलेटेड आपको लिए अपडेट लेके आया हूँ। तो क्या अपडेट है इसमें? पहला, इसमें दो नोटिस रिलीज किए गए हैं। एक नोटिस रिलीज किया गया था 6 अगस्त 2024, जो कि आपके लिए इतना रेलिवेंट नहीं था इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। सेकेंड नोटिस आपका आया है 12 अगस्त 2024, मतलब आज ही ये नोटिस आया है। तो पहले मैं वन बाय वन नोटिस डिस्कस कर लेता हूँ। कि देखो, जो पहला नोटिस है वो आपको ये बोलता है कि जो कि 6 अगस्त 2024 को आया था, इन्होंने ये बोला कि आपको जिसकी भी एप्लीकेशन ड्राफ्ट मोड में है, ठीक है, और 7 अगस्त की डेट को उनको जो है कंप्लीट उसको जो है कर लेना है और पेमेंट वगैरह कर लेनी है फीस की। तो ये आपके लिए ऐसा कोई रेलिवेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता। बट जो सेकेंड नोटिस आज जो कंपनी ने रिलीज किया गया है, ये कंपनी ने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड जो है डिस्क्लोज करने की कोशिश की है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कैंडिडेट या फिर जो पीएसयू जॉब एस्पिरेंट होते हैं वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि कितने एप्लीकेशन रिसीव हुई है, ताकि वो एक एक पैटर्न, एक ट्रेंड जान सके कि कितने कैंडिडेट अप्लाई करते हैं एनुअली, और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सके, ठीक है। इन्होंने बताने की कोशिश करे कि ऑफिसर ट्रेनिंग फाइनेंस, जिसमें 1277 कैंडिडेट जो है जनरल कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है, मतलब 1277 कैंडिडेट जो है वो उनकी एप्लीकेशन रिसीव हुई है। ओबीसी एनसीएल के लिए 475 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। एससी कैटेगरी के कैंडिडेट ने 160 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। 14 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है एसटी कैटेगरी के लिए, और कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट ने अप्लाई किया है 48। टोटल 1974 जो है कैंडिडेट ने अप्लाई किया है ऑफिसर ट्रेनिंग फाइनेंस। ऐसे ही कंपनी सेक्रेटरी के लिए जो है ऑफिसर ट्रेनिंग कंपनी सेक्रेटरी, इसके लिए 104 104 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है जनरल कैटेगरी में, 6 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में, और 9 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है एससी कैटेगरी में, और एसटी कैटेगरी में 3 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। तो 1974 कैंडिडेट ने जो है यहाँ पे अब जो है यहाँ पे अप्लाई करने की अप्लाई किया है। तो अब जो इनकी एप्लीकेशन है वो अंडर प्रोसेस चल रही है, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा यहाँ पे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की एक हिंट भी इन्होंने जो है देने की कोशिश करेगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा आपका, या तो वो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर होगा या नवंबर होगा। इसका मतलब होता है कि अक्टूबर के एंड एंड में, एंड के वीक्स में हो सकता है, या फिर नवंबर के स्टार्टिंग में हो सकता है। देखो, एज सच कोई डेट मेंशन नहीं की गई, बट जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वैकेंसी वाली डिटेल वीडियो में एक आपको लास्ट वैकेंसी के पूरा एनालिसिस आपको बताया था, उस वैकेंसीज के अकॉर्डिंग भी आपका जो है 3 से 4 महीने के अंदर अंदर इन्होंने एग्जाम ले लिया था, ठीक है। सो मोस्ट प्रोबेबली ये जो जॉब आई थी आपकी, ये अगस्त में आई थी, ठीक है, 17 जुलाई को आई थी, और 7 अगस्त जो था इसकी लास्ट डेट थी। तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप काउंट करोगे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो देखो, मेरा एनालिसिस भी यही बोल रहा था कि अक्टूबर या नवंबर के आसपास आपका जो है ये एग्जाम कनेक्ट किया जाएगा। तो अक्टूबर नवंबर टेंटेटिवली ये जॉब मतलब जो है सीबीटी इसका कनेक्ट किया जाएगा। आप अपनी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर दो। अब सीबीटी का जो एडमिट कार्ड है वो भी आपका आ जाएगा अक्टूबर के मंथ में, या फिर जब भी आपका एग्जाम होगा। बट जैसे भी एग्जाम होता है तो उसके अप्रोक्सीमेटली 35 डेज पहले आपका जो है एडमिट कार्ड लास्ट वैकेंसी में रिलीज किया गया था, जो कि आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप भी पीएसयू जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कुछ चीजों को प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी ऑलरेडी जो है 2023 वैकेंसीज की, 2022 वैकेंसी और 2023 वैकेंसीज के जो क्वेश्चन पेपर है, आंसर कीज मैं बोलूंगा उसको, क्वेश्चन पेपर एज वेल एज आंसर बताओगे ट्रेड फाइनेंस की में। 2022 वैकेंसी से अगर आप चेक करोगे 2023 में, तो 2023 के पेपर मैंने अपलोड कर रखा है। 2023 में कट ऑफ कितनी गई थी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, ठीक है, और आपका जो है क्वेश्चन पेपर आपको ये मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। एक पूरा एनालिसिस, नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितने रिसीव हुई थी 2023 वैकेंसीज की, जैसे इन्होंने अभी पीडीएफ जैसे इन्होंने अपलोड किया है वेबसाइट पे, और एक पूरा चार्ट एनालिसिस जो कि मैंने आपको प्रॉपर एकदम कंप्लीट कैसे होती है वैकेंसीज, उसकी डिटेल मैंने आपको देने की कोशिश की थी, जो भी आपकी लास्ट वैकेंसीज की थी। आपको मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप, क्या काफी सारी वैकेंसीज की लास्ट डेट जो है अभी आने वाली है, जैसे कि आप चेक कर सकते हो, आपका रेल विकास निगम लिमिटेड में भी सीए सीएमए एमबीए फाइनेंस और बीकॉम के लिए वैकेंसी है, ठीक है। इंटर और फाइनल एज वेल एज गेल इंडिया लिमिटेड में बीकॉम ग्रेजुएट्स जो आपके हैं, बीकॉम बीबीए बीएमएस बीबीएस या फिर आपके सीएमए इंटर सी इंटर के लिए वैकेंसी है, आप लास्ट डेट अप्लाई कर सकते हो इसकी, सेप्टेम्बर में इसकी लास्ट डेट है। एनआईएमएसएमई की लास्ट डेट आपकी 15 अगस्त ही है, ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो लैब्स ही हुई आज इसका इंटरव्यू था वॉकिन। अब बाकी अब रूरल केमिकल राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड की जो लास्ट डेट आपकी है, इसकी अगस्त में लास्ट डेट होगी, 25 से 26 अगस्त के आसपास है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और बाकी और भी मैं कुछ आपसे कुछ वैकेंसी डिस्कस कर दूँ फटाफट से, एक शॉर्ट में बता दूँ कुछ जिसकी लास्ट डेट है।
जैसे कि आप चेक करोगे एनआईसीडीसी की जो एप्लीकेशन डेट है वो लास्ट डेट कल की है, जिसमें सीएससी में वैकेंसी क्वालिफाइड्स की रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जिसकी लास्ट डेट 22 अगस्त 2024 है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो सीएससी में एलएलबी और आपके एमबीए इन एचआर, ठीक है। क्वालिफाइड एज वेल एज फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड में वैकेंसीज की आई है, जो कि आपका 25 अगस्त 2024 की लास्ट डेट, जिसमें सीएससी में जो है एमबीए फाइनल जो है एलिजिबल हो जाते हैं। ऐसे ही होडको लिमिटेड में वैकेंसी आई है, जिसकी लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है, जो कि 17 अगस्त आपकी जो है हो चुकी है, 17 या 18 अगस्त आपकी हो चुकी है। इसमें आप फटाफट से अप्लाई कर दीजिए। इसमें सीए क्वालिफाइड, सीएमए क्वालिफाइड, एमबीए इन एचआर, एमबीए इन फाइनेंस, आपकी पीजी डिप्लोमा इन फाइनेंस, पीजी डिप्लोमा एमबीए इन एचआर, ठीक है, एमबीए इन सीएसआर, एमबीए इन जर्नलिज्म, वो सब कैंडिडेट अब एलिजिबल हो जाते हैं, फ्रेशर्स एज वेल एज एक्सपीरियंसड। और आपके फाइनल ईयर के जो पर्सिंग स्टूडेंट हैं, जिनका रिजल्ट वेटेड है, वो भी इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बाकी इन सब चीजों को आप चेक कर लेना, ठीक है। और एक और वैकेंसी है, जो कि सीएमए सीए इंटर एज वेल एज फाइनल, ठीक है, एमकॉम और आपका सीएस के लिए वैकेंसीज है, फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी है, जिसमें कि 25,000 से 17,000 की लास्ट डेट है, मतलब 25,000 से 17,000 रुपए की आपकी सैलरी रहेगी। पावर गेट की जॉब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है आपसे, तो आप इसको गो थ्रू कर लेना, इसमें आपको पूरा एनालिसिस मिल जाएगा। और जो क्वेश्चन पेपर्स के जो लिंक होंगे, ड्राइव लिंक होंगे, वो मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, ठीक है। इसमें केवल आपका पावर गेट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का ही पेपर नहीं है, ठीक है, मैं आपको पहले बता दूं, इसमें बहुत सारी पीएसयूज के पेपर हैं, जैसे कि मोर देन 20+ पीएसयूज के पेपर है, जो कि आपके 40 से 50 के आसपास क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे कि मैं आपको एक बार गो थ्रू बता दूं, डीडीए का पेपर आपका है 2017 का, फाइनेंस एंड अकाउंट, जूनियर अकाउंटेंट सीबीएसई, जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क, जूनियर मैनेजर फाइनेंस पीएसयू, ये राइट्स का था। एनएचपीसी सीनियर अकाउंटेंट 2021 की जो वैकेंसी थी आपकी, एनपीसीसी मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स, मैनेजमेंट ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स, ओएनजीसी फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद में आपके यहाँ पे ये तीन फोल्डर मैंने बना रखे हैं, वेरियस फाइनेंस डोमेन पीएसयू, इसमें अप्रोक्सीमेटली आपको पेपर जो मिल जाएंगे 8 से 10 क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, जैसे कोल इंडिया का मैनेजमेंट ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट 2017, कोल इंडिया फाइनेंस एंड अकाउंट 2020, सीसीआईएल मैनेजमेंट ट्रेनी अकाउंट 2020, सीसीएल जूनियर अकाउंट 2024, सीसीएल जूनियर असिस्टेंट अकाउंट 2020, बीएचईएल सुपरवाइजर फाइनेंस 2021, बीएचईएल एग्जीक्यूटिव ट्रेनी फाइनेंस 2019, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सीनियर असिस्टेंट अकाउंट 2023, ठीक है। ऐसे ही आपके जो है इस फोल्डर में आपको मिल जाएंगे, जैसे कि वेरियस फाइनेंस डोमेन पीएसयू जॉब, ठीक है, इसमें आपको नवोदय विद्यालय समिति ऑडिट असिस्टेंट 2022, डीएमआरसी असिस्टेंट मेजर फाइनेंस CE05 2020, डीएमआरसी अकाउंट असिस्टेंट क्वेश्चन पेपर 2020, अकाउंटेंट ग्रेड 2, ये फोरम मेटिंग इंडिया लिमिटेड 2019, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सीनियर असिस्टेंट फाइनेंस वेस्टर्न रीजन 2022। ऐसे ही आपको जो है और भी काफी सारे मिल जाएंगे, जैसे कि राइट्स में आप चेक कर सकते हो, इस थर्ड फोल्डर में आप चेक कर सकते हो। नवरत्न कैटेगरी में मैंने कोई भी क्वेश्चन पेपर अपलोड नहीं किया, बिकॉज अभी इसमें मुझे मिला नहीं है। बाकी महारत्न में आपको जाना है, पावर ग्रिड का चेक करना है, और शायद एक और महारत्न का मैंने अपलोड किया हुआ है, नॉर्दर्न कोल फील्ड में भी मैंने अपलोड किया हुआ है आपका, जैसे नॉर्दर्न कोल फील्ड का अकाउंटेंट पोस्ट के लिए यहाँ पे क्वेश्चन पेपर 2020 का, वो मैंने रखा हुआ है। राइट्स लिमिटेड में मैंने दो चीजें रख रखी है, एक तो राइट सीनियर असिस्टेंट फाइनेंस, जो कि जिसका एग्जाम 27 अगस्त 2023 को हुआ था, एक आपका राइट्स असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस, जो कि आपका 4 फरवरी 2024 का एग्जाम हुआ था। आई होप कि मैंने ये सारे फ्री फ्री में जो आपको लिए अवेलेबल करवा रखे हैं रिसोर्सेज, आप इसको यूटिलाइज करोगे, आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए इसको यूज करोगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नई वीडियो में। और अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि इसी तरीके से आपको पीएसयू, गवर्नमेंट जॉब्स की, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, एचआर डोमेन, आपका एलएलबी, लॉ, इन सभी की फील्ड्स में आपको गवर्नमेंट पीएसयू जॉब की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलते हैं, सारे फ्रेंड के साथ में आप शेयर करो, जिसने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का एग्जाम फॉर्म फिल, मतलब जिसने भी एप्लीकेशन अप्लाई किया है, और प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, जैसे कि अक्टूबर नवंबर के आसपास आपका एग्जाम हो जाएगा। बस आपसे यही होप रखता हूँ कि आप सपोर्ट करोगे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रा से ज़रा, और अभी सारे अपने जितने भी लिंक आपके हैं, नेटवर्क्स आपके हैं, और जो भी गवर्नमेंट पीएसएस जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ में इसको शेयर करोगे, और लाइक करना इस वीडियो को। टिल देन, बाय बाय।